श्री मंदिर जी का वहाँ प्रोग्राम था, बिहार में दो दो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से आरजेडी और बिहार की जो सरकार है घबरा गई और जानबूझ के उन्होंने रामनवमी के मेले पर, रामनवमी के जुलूस पर ये जो हंगामा हुआ है, ये सुनियोजित हंगामा है। बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है, बिहार सरकार खुद अभियुक्त है। बिहार सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए घटनाएं घटी है, इसलिए जो अभियुक्त है उसे हम जांच कैसे करा रहे हैं। महागठबंधन सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने ऐसा किया, मेरा आरोप है कि बिहार सरकार ने ऐसा किया। आप इसकी जांच कराते लीजिए, मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। राज्यपाल महोदय से नहीं कराइएगा, CBI से इसकी जांच हो। CBI जब तक देश पर आपको भरोसा नहीं है तो देश को कहाँ ले। आप एक भी व्यक्ति का नाम लीजिए जो निर्दोष आदमी को CBI ने पकड़ा हो, आप बोलिए एक भी व्यक्ति का पूरे देश का नाम लीजिए जिसको CBI ने गलत ढंग से पकड़ के जेल में किया हो। क्या है कि बिहार की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, रामनवमी पर जो घटनाएं घटी है, उसकी पूरी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल से रिपोर्ट ले लें। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में क्या तथ्य आता है, उसके बाद भारत सरकार इस पर अपना निर्णय लें। आपने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए आपको भी आपका क्या? हाँ, निश्चित रूप से हुआ है। गृह मंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम था, बिहार में दो दो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से आरजेडी और बिहार की जो सरकार है घबरा गई और जानबूझ के उन्होंने रामनवमी के मेले पर, रामनवमी के जुलूस पर ये जो हंगामा हुआ है, ये सुनियोजित हंगामा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठी रही। तो नीतीश कुमार ये कहे हैं ये जो बिहार जला है इसके पीछे कौन है, कौन बीटिंग काम कर रहा है? अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्री जी से कि आप इसकी जांच करवा लीजिए। नीतीश कुमार से हम जांच नहीं करा रहे हैं। हम यहाँ यहाँ का झगड़ा है तो महामहिम राज्यपाल महोदय है, उनसे मैंने कहा है कि आप जांच कराइए और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन सर, राज्यपाल में एक प्रोटोकॉल होता है, आप कह रहे हैं कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन राज्यपाल परसों एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी को 74% जनता चाहती है कि वो फिर से प्रधानमंत्री रहे, ये राज्यपाल कैसे? अरे भाई, राज्यपाल देश का नागरिक नहीं है? नागरिक पहले सुनिए, ये मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, देश का नागरिक है, उसको मौलिक अधिकार है, आप उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते। पहले वो देश का नागरिक है, तब उसे राज्यपाल है। बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। बिहार सरकार खुद अभियुक्त है। बिहार सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए घटनाएं घटी है, इसलिए जो अभियुक्त है उसे हम जांच कैसे करा रहे हैं? जो निष्पक्ष बॉडी है उसे जांच कराने की बात हो रही है, या इसकी जांच CBI से हो, इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से हो। लेकिन सर, महागठबंधन सरकार का आरोप है कि विपक्ष की ही साजिश है और ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। महागठबंधन सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने ऐसा किया, मेरा आरोप है कि बिहार सरकार ने ऐसा किया। आप इसकी जांच कराते लीजिए, मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। राज्यपाल महोदय से नहीं कराइएगा, CBI से इसकी जांच हो। जब तक देश पर आपको भरोसा नहीं है तो देश को कहाँ ले जाइएगा? देश पर आपको भरोसा नहीं है, एजेंसी पर भरोसा नहीं है, कहाँ ले जाइएगा? चोर को यदि चोर नहीं कहिएगा क्या कहिएगा? ईमानदार कहिएगा। आप एक भी व्यक्ति का नाम लीजिए जो निर्दोष आदमी को CBI ने पकड़ा हो, आप बोलिए एक भी व्यक्ति का पूरे देश में नाम लीजिए जिसको CBI ने गलत ढंग से पकड़ के जेल में बंद किया हो। जो जो दोषी है, सुनिए, जो दोषी है उस पर CBI कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का अपना जो डिसीजन होता है, CBI का अपना जो डिसीजन होता है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। आप एक भी व्यक्ति के नाम बताओ जो व्यक्ति निर्दोष हो उस पर CBI कार्रवाई की हो, आप बताइए। आप एक प्रश्न पूछ रहे हो हमसे, आप बताइए कौन सा व्यक्ति है जिस पर CBI ने गलत काम किया, ED ने गलत काम किया? देखिए, देश चलता है संविधान से, देश चलता है नियम कानून से। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा, जो निर्दोष होगा वो मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।